जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है हरदीप सर सिवन। और हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और आपको ये जानना है कि आप जो सीमेंट अपने घर के लिए या अपने घर की मजबूती के लिए जो आप सीमेंट यूज़ कर रहे हो क्या वो सही भी है या नहीं है, तो उसको जानने के आज मैं आपको 5 या 6 तरीके बताऊंगा। आप उससे ये जान सकते हो कि जो सीमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो सही है आपके घर के लिए या नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहले आप चीज़ देखोगे दैट इज़ आपको पता होगा कि सीमेंट की बोरी का अगर हम वेट करें तो वो 50 kg का एक बैग होता है और उस पर लिखा होता है जब व्हेन पैक्ड। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी गई होती है, उसके ज़रिए आप उसको जांच कर सकते हो कि यह सीमेंट आपके लिए सही है या नहीं है। दूसरा, जब आपने सीमेंट खोल दिया है तो आप कैसे पता करोगे कि जो सीमेंट है वो सही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो सीमेंट के कलर को देखोगे। आपको सीमेंट का कलर ग्रेश दिखेगा और ये यूनिफॉर्म इन कलर होना चाहिए, मतलब ये समानांतर ऐसे ग्रे ही कलर होना चाहिए, बट एक्चुअल में जो इसका कलर होता है वो ग्रीनिश ग्रे होता है, ठीक है। अगर आप सीमेंट की बोरी में उसको निकालोगे, हाथ पे रखोगे और आप देखोगे कि उसका जो कलर है, जो जो आपके हाथ में एक सैंपल है उसका कलर अगर यूनिफॉर्म है तो वो सीमेंट सही है। दूसरा तरीका क्या है इसको जांचने के लिए, दूसरे तरीके में आप क्या करोगे कि सीमेंट की बोरी के अंदर ऐसे हाथ डालोगे, पूरा हाथ, ठीक है। हाथ डालने पर अगर आपको बोरी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, कोल्ड है, अगर बोरी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है तो वो सीमेंट सही है, ठीक है। अगर टेम्परेचर गर्म है तो वो सीमेंट सही नहीं है आपके लिए, तो द टेम्परेचर शुड बी कोल्ड, ओके। नेक्स्ट, आप तीसरा मेथड क्या है उसको जांचने का, आप क्या करोगे उस सीमेंट में से ऐसे फिस्ट में से ऐसे आप अपनी चुटकी में से सीमेंट को उठाओगे और उसको ऐसे चेक करोगे। एक तो उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर जो पार्टिकल्स होने चाहिए, एक तो वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, दूसरा वो बहुत ही बारीक होने चाहिए। उसके अंदर ऐसे जैसे हम कहते हैं रेत के पार्टिकल्स या सैंड जो हमारे हाथ में से थोड़ा खुरदुरा लगे हमें तो वो सीमेंट आपका ख़राब है, उसके अंदर क्या है डस्ट पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स की मिलावट है, तो वो सीमेंट आप पे यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट मेथड जो है वो आपको ये चेक करना है कि सीमेंट के बैग के बाहर कोई मॉइस्चर तो नहीं है। अगर सीमेंट के बाहर मॉइस्चर है तो उससे क्या होगा, आपका सीमेंट ख़राब हो जाएगा, जिसके अंदर वहाँ पे क्या बन जाएंगे, अंदर लम्प्स बन जाएंगे, ठीक है। एक दो तरह के लम्प्स बनते हैं, लम्प्स मतलब जैसे पंजाबी में उसे हम कहते हैं ढेले बन जाना या ढेलियाँ बन जाना वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो लम्प्स बन रहे हैं और वो लम्प्स अगर आपके हाथ पे उसको रख रहे हो और दबा रहे हो और वो टूट जा रहा है तो कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीमेंट सही है। बट अगर वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ चुका है सीमेंट और सीमेंट के अंदर जो वो लम्प्स बन रहे हैं वो टूट नहीं रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका सीमेंट जो है वो ख़राब हो चुका है और इसके अंदर जो लम्प्स हैं उसने, मतलब जो सीमेंट है उसने मॉइस्चर को कैच कर लिया है। अब ये सीमेंट आप यूज़ करोगे तो वो स्ट्रेंथ को शो नहीं करवाएगा। और लास्ट जो टेस्ट है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टेस्ट है। उसके लिए आपको क्या करना है, पानी की बाल्टी लेनी है और बोरी में से सैंपल को निकालना है। बोरी में से सैंपल को निकाल के आपने क्या करना है, उसको उसके उस पानी के अंदर डाल देना। अगर अगर वो सीमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो अगर वो फ्लोट कर जाता है, मतलब अगर तैर जाता है, तो वो सीमेंट आपका ख़राब हो चुका है, उसको आप साइड पे यूज़ मत करिएगा, वो आपको स्ट्रेंथ नहीं देगा। और अगर वहीं पे दूसरी तरफ अगर वो डूब जाता है, मतलब स्लोली स्लोली अगर वो पानी के अंदर डूब जाता है, तो वो आपका सीमेंट जो है वो सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये 5-6 टेस्ट हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि हमारा जो सीमेंट है वो जो आप यूज़ कर रहे हो साइट पे वो सही है कि नहीं है। इसे हम कहते हैं फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट या फिजिकल टेस्ट फॉर सीमेंट कहते हैं। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपने अगर सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थम्सअप दीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।